हेलो फ्रेंड, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो ये वेब डेवलपमेंट सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं या फिर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने वेबसाइट का एक लिंक क्रिएट करके किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं या फिर अपने चैनल की एक फोटोकॉपी बनाकर ब्लॉग पर आप अपलोड कर सकते हैं। पर अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, यानी कि ऑटो ब्लॉगिंग करनी है या फिर कुछ भी अर्निंग करनी है अपनी मूवीज की वेबसाइट बनाकर या फिर ब्लॉग बनाकर अर्निंग करनी, हम आपको इस सीरीज में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप मूवीज डाउनलोडिंग या फिर देखने वाली वेबसाइट बना सकते हैं और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं या फिर ऑटो ब्लॉगिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये ऑटो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको कुछ भी एक भी पैसे की खर्च नहीं होने वाला, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोडिंग भी नहीं करनी है, बिल्कुल आसान है और आप चाहें तो इसको सीख कर बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और ये blogspot.com जो है ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जो कि आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पर आप अच्छी खासी अपनी एक वेबसाइट या फिर लिंक क्रिएट कर सकते हैं और सामने वाले के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं अमान टेक, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले एक कोई भी एक जीमेल अकाउंट बना लेते हैं जिससे कि हमें आगे ब्लॉग क्रिएट करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है जीमेल अकाउंट। अगर आपके पास में है तो कोई बात नहीं, आप लॉगिन हो जाइए। अगर नहीं है तो एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं। यूजर नेम जो आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पर मूवीज के अकॉर्डिंग बनाने जा रहा हूँ, मूवीज वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ, उसी टाइप से मैं यहाँ पर जीमेल अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी लिंक्स फॉर 24U। देखते हैं अगर ये यूजर नेम अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर दूसरा कोई ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए, ओके। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप यहां पर कोई भी एक रिकवरी ईमेल डाल दीजिए, जो भी आप चाहें कि अगर आपका पासवर्ड रीसेट करना है तो यहां पर आना चाहिए, तो आप वो यहां पर सेट कर लीजिए। और यहां पर डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल लीजिए, ऐसी डालिए कि जो आपको हमेशा याद रहे। तो मैं हमेशा यही एक यूज करता हूँ, तो मैं इसी डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम नॉट नाउ कर देते हैं, अभी हमें वेरीफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर नॉट नाउ करके आगे चलते हैं और उसके बाद में जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन, उसे आपको आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद में आपकी जो ईमेल है वो रेडी हो चुकी है। तो जीमेल जो आपकी रेडी है, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो अकाउंट है ये आ चुका है, हिंदी लिंक्स फॉर 24U। अब हम यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट करेंगे, ब्लॉगर पे जाएंगे, तो यहाँ पर हम ब्लॉगर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉगर जो आ रहा है वो दूसरा पहले से एक ब्लॉग है यहाँ पर जो हमारा वो रेडी है, तो हम उसी पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसे साइन आउट करके हम जो ईमेल आईडी हमने अभी क्रिएट की है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि सर्चिंग में चल रहा है तो वो सर्च हो जाए। उसके बाद में हम इसी आईडी को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम इस आईडी पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद में आईडी बनाई थी, यहाँ पर आप देखते हैं कि उस पर ब्लॉग का ऑप्शन आ चुका है नया ब्लॉगर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल मांगी जा रही है, तो आप चाहें तो क्रिएट अ लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल या फिर गूगल प्लस की प्रोफाइल से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट अ लिमिटेड प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो नाम भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मूवी बना रहे हैं, मूवी वेबसाइट बनाने वाले हैं, हम उसी वेबसाइट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि वही डिस्प्ले में आए। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं हिंदी
लिंक्स फॉर 24U, ओके। कंटिन्यू टू ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग ब्लॉगर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो अरबी में आ रही है, तो हम इसे पहले सेट करते हैं, यहाँ पर इसे इंग्लिश में लाते हैं। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसकी लुगा जो है, यहाँ पर आप देखते हैं कि लैंग्वेज ये है लुगा, कोई टेंशन नहीं है, मैसेज जो है वो एरर का आ रहा है। और यहाँ पर जो ब्लॉगर की लैंग्वेज है वो अरबी में ही शो हो रही है, इंग्लिश का ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल इसे हम यहाँ पर चेक करते हैं। नीचे ऑप्शंस होना चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर चलिए यहाँ पर लैंग्वेज पे आ चुके हैं, ब्लॉगर की लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया है, तो इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया को चेंज करके हम इंग्लिश कर देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि अरबी में या अरबी सेट था, तो यहाँ पर हम इंग्लिश कर लेते हैं। जैसे ही हम इंग्लिश सेट करेंगे ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो सिलेक्शन ओके, यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हो चुका है। चलिए अब हम वापस ब्लॉग पे आ जाते हैं, तो ये आप देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश हो चुकी है। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं ब्लॉग पर और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ब्लॉगर जो है वो इंग्लिश हो चुका है। तो चलिए इस लैंग्वेज के टैब को हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपको सेट करना है, आप चाहें तो यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं डिफाइन गूगल अकाउंट, और यहाँ पर चाहें तो सेटिंग कर सकते हैं। और हम यहाँ से न्यू ब्लॉग पर चलते हैं, न्यू ब्लॉग क्रिएट करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर हम हिंदी लिंक्स 424U ये रखना है। और देखते हैं कि ये सेम डोमेन हमें यहाँ पर ब्लॉगर की ओर से मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, blogspot.com आता है, तो ये अवेलेबल है। हम इस पर सिंपली कोई भी एक टेम्पलेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट है और इस पर हम क्रिएट कर देते हैं। और आगे आपको हम दूसरी वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरीके से टेम्पलेट चेंज करना है, किस तरीके से सेट करना है। तो हम पहले यहाँ पर क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लॉग है वो रेडी हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर चाहे तो क्रिएट अ न्यू पोस्ट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से थीम को चेंज करना है, किस तरीके से इसका सेटअप करना है, तो किस तरीके से SEO सेट करना है, और किस तरीके से कौन सी टेम्पलेट आपको यहाँ पर सेट करनी है, कहाँ से टेम्पलेट आप फ्री में पाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो को, कोई भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और कोई भी वीडियो को मिस मत करिएगा, ताकि आपको सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सही तरीके से मिल जाए। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब देख रहे हैं अमान टेकवर्ड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको या फिर आपके फ्रेंड को कुछ भी बेनिफिट हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी आऊँ लाइव या फिर अपलोड करूँ कोई नई वीडियो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।